गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मिस किरण गोस्वामी, एम एस सी इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग. इन दैट प्रीवियस क्लासेस वी हैव सीन अबाउट द एडीएचडी, देयर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन. देन नेक्स्ट वी हैव सीन अबाउट द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, कॉजेस, एपिडेमियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स. एंड नेक्स्ट वी हैव सीन अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स. ओके, इन दिस क्लास वी विल सी अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ एडीएचडी. इन दैट फर्स्ट इज कंप्लीट मेडिकल इवैल्यूएशन with emphasis on a neurological examination, hearing and vision. Okay, means medical examination करेंगे child का, then neurological examination, hearing and vision test भी करना है. Okay, then psychiatric evaluation to assess the intellectual abilities, academic achievements and postnatal learning disorder, potential learning disorders problem. Okay, means child को academic performance में भी क्या रहता है, difficulty होता है. Okay, so we have to identify the where is difficulty is there. Okay, means intellectual abilities को भी child का देखेंगे कि उसमें attention deficit, attention span क्यों नहीं हो पा रहा है. Okay, achievement difficulty क्यों हो रही है, तो ये सारे चीज़ identify करने के लिए हम ये सारे चीज़ साइकेट्रिक इवैल्यूएशन या टेस्ट करेंगे. ओके, देन डिटेल प्रीनेटल हिस्ट्री एंड अर्ली डेवलपमेंटल हिस्ट्री. जैसे कि हमने देखा है कि चाइल्ड को प्रीनेटल, इंट्रानेटल या पोस्टनेटल तीनों में क्या हो सकता है, डिफिकल्टी हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो हम इन सब के लिए क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे. देन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वी हैव टू डू, टीचर्स स्कूल रिपोर्ट और पेरेंट्स रिपोर्ट. ठीक है, चाइल्ड्स का घर पे परफॉर्मेंस कैसा है या तो फिर स्कूल में परफॉर्मेंस कैसा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे. और हम लोग रिपोर्ट कहाँ कहाँ से या तो फिर डाटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट करेंगे, टीचर्स के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, इन सब से रिपोर्ट लेकर तैयार करना. ओके, देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी ट्रीटमेंट पोर्शन. इन दैट फर्स्ट इज फार्माकोथेरेपी. इन दैट सीएनएस स्टिमुलेंट्स वी हैव टू गिव टू दिस चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम एडीएचडी. इन दैट फर्स्ट इज डेक्सट्रोएम्फेटामाइन इज देयर, मेथाइलफेनिडेट एंड पिमोलिन. ओके, देन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट वी हैव टू गिव टू द चाइल्ड, antipsychotics, selective serotonin reuptake inhibitors and clonidine. These all are some drugs that we have to give to the child with ADHD. Then psychological therapies, in that behavior modification techniques we can apply for modify the behavior or abnormal behavior of the child. जैसे कि साइन एंड सिम्टम्स में बताई हूँ abnormal behavior कौन कौन से हैं child के. Then cognitive behavior therapy to मेंटेन द अटेंशन डेफिशिट और इंटेलेक्चुअल डेफिशिट ऑफ द चाइल्ड. ओके, और चाइल्ड में बहुत ज़्यादा अटेंशन क्या होता है, डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो उसको अपन मेंटेन करने के लिए कौन सा थेरेपी देंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. देन नेक्स्ट इज सोशल स्किल ट्रेनिंग एंड फैमिली एजुकेशन. मीन्स इम्पल्सिवनेस और हाइपर एक्टिविटी के कारण चाइल्ड क्या रहता है, अपना पीयर या फैमिली रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता. सो वी हैव टू गिव दिस थेरेपीज टू दी चाइल्ड एंड देयर पेरेंट्स ऑल्सो. Then after that pharmacological therapy and psychotherapy, we have to give nursing intervention to the child. So here some nursing interventions are there. First is develop a trusting relationship with the child, convey acceptance of the child separate from the unacceptable behavior. ठीक है, सबसे पहले हमको child के साथ communicate करने के लिए या relationship बनाने के लिए उसका trust gain करना है. Okay, then ensure that पेशेंट हैज़ सेफ इन्वायरमेंट, रिमूव ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इमीडिएट एरिया इन विच पेशेंट कुड इंज्यूरी सेल्फ एंड ड्यू टू रैंडम हाइपर एक्टिव मूवमेंट्स, आइडेंटिफाई डेलिब्रेट बिहेवियर्स दैट पुट द चाइल्ड एट रिस्क फॉर इंजुरी. मीन्स चाइल्ड क्या है, यहाँ पे हाइपर एक्टिव है, इम्पल्सिव है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो चाइल्ड को इंजर कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स को हम लोग को चाइल्ड के साइड बाई से क्या करना है, रिमूव करना है. Then provide supervision for potentially dangerous situation. Means if the child is hyperactive or impulsive, then the child can having the dangerous situation also. Na, the child can have harm to self also and the parents or other people also. So we have to maintain the all situation. Then since there is no compliance with the task expectations, provide an environment that is as free of distraction as possible. Means चाइल्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, अटेंशन डेफिशिट बहुत ज़्यादा है चाइल्ड में, कॉग्निशन डेफिशिट है, इसलिए हमको ऐसे फैक्टर्स को चाइल्ड के सामने से रिमूव करना है जिससे कि उसका माइंड क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, चाइल्ड दूसरी चीज़ों पे क्या कर रहा है, ध्यान नहीं दे पाना है. ठीक है, इसलिए
चाइल्ड के अपन को क्या करना है, माइंड को कंसंट्रेट करना है, उसको एबल बनाना है कि वो किसी एक ही चीज़ पे क्या कर सके, कंसंट्रेट करे फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, क्योंकि चाइल्ड का जो अटेंशन है वो क्या रहा है, फ्यू मिनट्स में ही क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है. सो वी हैव टू मैनेज दोज थिंग्स. ओके, देन इंश्योर द चाइल्ड्स अटेंशन बाय कॉलिंग हिज नेम एंड एस्टैब्लिशिंग आई कॉन्टैक्ट बिफोर गिविंग इंस्ट्रक्शन. मीन्स चाइल्ड कभी कभी क्या करता है, रिस्पॉन्स नहीं करता है. ओके, इवन आई कॉन्टैक्ट भी नहीं करता है. तो हमको इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए क्या करना है, चाइल्ड के नाम से ही बुलाना है. ओके, वी हैव टू कॉल द चाइल्ड बाय हिज नेम. फॉर व्हाट, सो दैट द चाइल्ड कैन गिव अटेंशन टू अस ऑल्सो. ओके, देन आस्क द पेशेंट टू रिपीट इंस्ट्रक्शंस बिफोर बिगनिंग द टास्क. जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे चाइल्ड उसको बार बार भूल जाएगा, इसलिए हम लोग को रिपीट करने के लिए बोलना है. ओके, एस्टैब्लिश गोल्स दैट अलाउ पेशेंट अ कंप्लीट एज अ पार्ट ऑफ टास्क, रिवॉर्डिंग ईच स्टेप कंप्लीशन विद अ ब्रेक फॉर फिजिकल एक्टिविटी. मीन्स चाइल्ड क्या करता है, किसी एक एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करता है और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है, तो हमको उनके अटेंशन को मेंटेन करना है, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चाइल्ड को एक एक्टिविटी को सक्सेसफुली अगर परफॉर्म कर रहा है तो हम लोग को उनको क्या देना है, रिवॉर्ड्स देने हैं, लाइक गिफ्ट देना है या तो फिर कोई पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट देना है. तो इससे चाइल्ड क्या होगा, मोटिवेट होगा दूसरे टास्क को परफॉर्म करने के लिए. ओके, द नेक्स्ट इज प्रोवाइड असिस्टेंस ऑन वन टू वन बेसिस बिगनिंग विथ सिंपल कॉन्क्रीट इंस्ट्रक्शंस. ओके, मीन्स छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन, छोटे छोटे टास्क को चाइल्ड को पहले परफॉर्म करने के लिए बोलना है, तब जाके वो क्या रहेगा, दूसरे टास्क तक पहुँचेगा. ओके, ग्रेजुअली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ असिस्टेंस गिवन टू टास्क परफॉर्मेंस विथ अश्योरिंग द पेशेंट दैट असिस्टेंस इज स्टिल अवेलेबल इफ डिमांड नेसेसरी. ओके, चाइल्ड को अश्योर करना है कि वो किसी भी एक्टिविटी या किसी भी टास्क परफॉर्म करने के लिए अकेला नहीं है, उसके लिए कोई भी हेल्प करने के लिए एबल रहेंगे या तो फिर वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे. इसके लिए चाइल्ड को पहले टास्क को खुद परफॉर्म करना है, तब जाके हम लोग कोई असिस्टेंट या तो फिर कोई अदर पर्सन अवेलेबल हो सकता है उनके साथ. ओके, ऑफर रिकॉग्नाइजेशन फॉर सक्सेसफुल अटेम्प्ट एंड पॉजिटिव एज आई टोल्ड बिफोर. मीन्स सक्सेसफुल अटेम्प्ट या तो फिर कुछ अच्छा करता है चाइल्ड, उसके लिए हम लोग को क्या करना है, पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट देना है. ओके, प्रोवाइड क्वाइट एनवायरनमेंट, सेल्फ कंटेंट क्लासरूम एंड स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़. मीन्स स्मॉल क्लासरूम या तो फिर कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ चाइल्ड को परफॉर्म करना है, क्योंकि चाइल्ड को हम लोग अकेले कोई एक्टिविटी देंगे तो वो नहीं करेगा. ठीक है, ग्रुप में दूसरों को देख कर मे बी वो कोई एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है. ओके, द नेक्स्ट इज हेल्प हिम लर्न हाउ टू टेक हिम टर्न, वेट इन लाइन एंड फॉलो रूल्स. इन सब के लिए चाइल्ड को क्या करना है, मोटिवेट करना है. देन असेस पेरेंटिंग स्किल लेवल कंसिडरिंग इंटेलेक्चुअल इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस. थेरेपिस्ट पेरेंट्स को भी देना है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंटिंग भी क्या हो सकता है, मे बी अफेक्ट हो सकता है ना, मे बी चाइल्ड कोई इमोशनल प्रॉब्लम से ही सफ़र करता होगा, मे बी पेरेंटिंग अच्छा नहीं होगा चाइल्ड को, तो इस वजह से भी चाइल्ड क्या हो रहा है, सफ़र हो रहा है. तो हम लोग को क्या करना है, पेरेंट्स को भी कुछ थेरेपीज देना है. ठीक है, असेस पेरेंटिंग स्किल लेवल मीन्स पेरेंट्स चाइल्ड के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसको हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, असेस करना है. देन कंसीडरिंग इंटेलेक्चुअल इमोशनल फिजिकल स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस. ठीक है, ये सारी चीज़ लेवल पे हम लोग को देखना है, पेरेंटिंग स्किल कैसा है. बी सेंसिटिव टू देयर नीड्स एज देयर इफ देन एजुकेट चाइल्ड एंड फैमिली ऑन द यूज़ ऑफ साइको स्टिमुलेंट्स एंटीसिपेटेड बिहेवियरल रिस्पॉन्स. ओके, मीन्स ये सारे टेक्निक्स देने हैं चाइल्ड को. देन नेक्स्ट इज एजुकेट चाइल्ड, मीन चाइल्ड को एडुकेट करना है और फैमिली मेम्बर्स को फॉर यूजिंग दिस साइको स्टिमुलेंट्स एंटीसिपेटेड बिहेवियरल रिस्पॉन्स. ओके, साइको स्टिमुलेंट दैट मीन्स मेडिकेशंस. देन कोऑर्डिनेट ओवरऑल ट्रीटमेंट प्लान विथ स्कूल कोलेटरल पर्सनल एंड चाइल्ड एंड द फैमिली. मीन्स ये सारे जितने भी हम लोग अभी पढ़े हैं, ठीक है, वो सारे जितने भी थेरेपीज हैं उनको चाइल्ड को भी बताना है, पेरेंट्स को भी बताना है, और उन हम दोनों को चाइल्ड और पेरेंट्स दोनों के बिहेवियर को क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है और ये अश्योर करना है कि वो अपने बिहेवियर को क्या कर सके, मेंटेन करके रखें. ओके, आई लेफ्ट सम. ओके,
प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड मटेरियल्स रिलेटेड टू द चाइल्ड डिसऑर्डर एंड इफेक्टिव पेरेंटिंग टेक्निक्स. मीन्स यहाँ पे क्या होता है, चाइल्ड पेरेंट्स का पेरेंटिंग टेक्निक अगर स्किल अच्छा नहीं है तो हम लोग को क्या करना है, कुछ टेक्निक्स प्रोवाइड करना है, कुछ मटेरियल्स या इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को प्रोवाइड करना है, या तो फिर उनका काउंसलिंग करना है कि वो चाइल्ड पे अच्छे से क्या करें, ध्यान दें. ओके, देन एक्सप्लेन एंड डेमोन्स्ट्रेट पॉजिटिव पेरेंटिंग टेक्निक टू पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स. अगर पेरेंट्स अच्छे से केयर एंड रेयर प्रोवाइड करते हैं चाइल्ड को, तो उनके पेरेंटिंग टेक्निक को हम लोग को क्या करना है, रीइन्फोर्स करना है. ओके, सच इज टाइम इन फॉर गुड बिहेवियर एंड बींग विजिलेंट इन आइडेंटिफाइड द चाइल्ड बिहेवियर एंड रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू दैट बिहेवियर. ओके, मीन्स अगर चाइल्ड पेरेंट्स के पेरेंट्स अगर चाइल्ड के साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनको प्रॉपर अटेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके इस बिहेवियर को, उनके गुड बिहेवियर को हम लोग को क्या करना है, प्रमोट करना है. ओके, सो दीज ऑल आर सम नर्सिंग इंटरवेंशन दैट वी हैव सीन दैट वी हैव टू गिव द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड ऑल्सो हु इज सफरिंग फ्रॉम ADHD. ओके, सो वी हैव सीन अबाउट द अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. Concept is that the child is having the attention problem, hyperactivity is there and impulsiveness is there in the child. Okay, for we have seen epidemiology, then next we have seen about the etiology, in that we have seen biological factors, biochemical factors, pre, peri and postnatal factors, then environmental influences, psychological factors, risk factors of ADHD is there. Then next we have seen about the signs and symptoms of ADHD. It is inattention, impulsiveness and hyperactivity. Then diagnosis criteria. The next we have seen about the treatment portion. In that first is psychopharmacology, second is psychotherapies, and third we have seen about the nursing intervention. Okay. So here ADHD is completed. It is attention deficit hyperactivity.